आगरा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताजमहल का दीदार करने आएंगे। उनके दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शासन स्तर से हर विभाग की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति का काफिला जहां से भी गुजरेगा, लाइव सीसीटीवी से उनकी निगरानी भी की जाएगी। अमेरिकी प्रेसिडेंट की लाइव निगरानी के लिए प्रस्तावित रूट पर लगे सभी कैमरों को कंट्रोल रूम और स्मार्ट सिटी कार्यालय से जोड़ा गया है। ताजमहल के आसपास बने मकानों पर पुलिस की नजर रहेगी। ताज के सभी गेटों के साथ बाजारों में भी पुलिस तैनात होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को लेकर आगरा के मेयर नवीन जैन ने परंपरा को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगरा के खेरिया के टेक्निकल एयरपोर्ट पर एयरफोर्स वन से उतरने के बाद ट्रंप और उनकी पत्नी मेलोनिया का स्वागत शहर के महापौर नवीन जैन चाबी देकर करेंगे। ये चाबी चांदी की बनी होगी और इस पर ताजमहल की प्रतिकृति के साथ ही शहर का लोगो भी होगा। परंपरा के मुताबिक नगर निगम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महापौर ने नया गाउन तैयार कराया है जिसे पहनकर वो राष्ट्रपति ट्रंप की अगवानी करने जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगरा आगमन पर आगरावासी स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रशासन के साथ साथ आगरावासी भी उनके इस दौरे को सफल बनाने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी को लेकर आज आगरावासियों ने इकट्ठा होकर महाशिवरात्रि के पर्व पर आगरा कैंट स्टेशन के बाहर अटल चौक पर हवन किया और दुआ की कि डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा पूरी तरह से सफल साबित हो। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को लेकर राजधानी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मजलिसे उलमाए हिंद के बैनर तले शिया समुदाय के लोग ट्रंप के आगमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को हवाई हमले में मार गिराया, जिसे लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिका की नीतियों और फिलिस्तीन पर किए जा रहे हमलों पर भी विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पोस्टर्स भी जलाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सेना के नए भवन का शिलान्यास किया है। इस दौरान थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद रहे। थल सेना भवन कॉम्प्लेक्स लगभग 39 एकड़ में फैला होगा। कार्यालय परिसर पर और पार्किंग के निर्माण के लिए लगभग 7.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र का निर्माण जो है वो किया जाएगा। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने नए सेना भवन का शिलान्यास किया है। ये देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सशस्त्र बलों के नायकों का प्रतिनिधित्व करेगा। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। प्रदर्शनकारी लड़की का नाम अमूल्या लियोन बताया जा रहा है। बेंगलुरु पुलिस अभी अमूल्या से पूछताछ करेगी और इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिव और शक्ति के मिलन का पर्व महाशिवरात्रि देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों में दर्शन और पूजा के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर लोग दूध दही शहद से अभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में रात्रि जागरण का आयोजन भी किया गया है। महाशिवरात्रि के पर्व पर पूर्व संध्या पर संभल में मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर भाईचारे का संदेश दिया है। महाशिवरात्रि पर शिव भक्त हरिद्वार और ब्रज घाट से जल लेकर पहुंचे तो मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा स्वागत पंडाल के सामने एसपी ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की। एसपी के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी कांवड़ियों पर फूलों की बरसात की। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार अब जल्द हो सकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज एक दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री रावत ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इससे मंत्रिमंडल में खाली 3 स्थानों को जल्द भरे जाने की संभावना जो है वो पुख्ता हो गई है। उत्तराखंड में इस वक्त मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल का आकार 9 सदस्यीय है। हालांकि यहां अधिकतम 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसमें 3 सीट खाली चल रही है। दिल्ली दौरे पर आए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। दोनों के बीच उत्तराखंड को रेलवे की नई सौगात के साथ ही हरिद्वार कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाए जाने पर बात भी हुई। सीएम रावत ने बताया कि दिल्ली में मंत्रियों से रेलवे की नई परियोजनाओं के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की गई।
उत्तराखंड बीजेपी की कार्यकारिणी को लेकर दिल्ली में मंथन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने दिल्ली में तमाम नेताओं से मुलाकात की और कार्यकारिणी को लेकर चर्चा भी की। सीएम त्रिवेंद्र ने भी कार्यकारिणी को लेकर दिल्ली में चर्चा की है। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न मोर्चों को लेकर भी फैसला लिया गया। बीजेपी के लिए प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट के अनुसार जल्द कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। सुबह 4 बजे से ही हजारों लोग अपनी फरियाद लेकर मंदिर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों से उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने लोगों की फरियाद सुनकर उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित है। जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। वाराणसी के सर्किट हाउस में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश 2022 का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। कानपुर देहात के गजनेर में 13 फरवरी को अनुसूचित जाति के लोगों से मारपीट के मामले में चंद्रशेखर ने 23 फरवरी को देशव्यापी बंद का ऐलान किया। इसी क्रम में कानपुर पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने उर्सला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है और घटना के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सूबे में योगी सरकार आने के बाद से एक के बाद एक शहर और रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे हैं। इस कड़ी में प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद शहर का नाम बदलने के बाद वहां के रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया है। प्रयागराज जनपद के तहत आने वाले इलाहाबाद जंक्शन, इलाहाबाद सिटी, इलाहाबाद चिपकी और प्रयागराज के बदल दिए गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र के निर्देश पर सूबे के समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था, विकलांग, परित्यक्ता पेंशन में प्रतिमाह 200 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। अभी तक लोगों को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में मिल रहे थे, लेकिन अब 200 रुपए बढ़ोतरी के बाद लाभार्थियों को अब से 1200 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। वहीं प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने इसे सरकार का बड़ा फैसला करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर प्रदेश के विकास की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। प्रीतम सिंह का कहना है कि कांग्रेस विधायकों की विधानसभाओं में विकास की बात तो छोड़िए, बीजेपी विधायकों की विधानसभाएं हैं, वहां भी विकास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से विधायक सरकार से नाराज दिख रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अब सरकार चाहे विधानसभा में बैठे या जिलों में जाए, जनता तो विकास कार्यों को देखते हुए वोट देती है। साथ ही उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि पिछले 3 सालों में सरकार ने यहां कोई भी विकास का कार्य नहीं किया है। पिथौरागढ़ में जिला अस्पताल में 2 महीनों में 4 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई। मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार महिला की डिलीवरी हो गई थी, लेकिन रक्तस्राव नहीं रुक रहा था। मामले में जिसकी भी जिम्मेदारी होगी उसको सुनिश्चित किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। प्रमोशन में आरक्षण और भर्तियों में रोस्टर के मुद्दे पर जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज संगठन अब इसे देशव्यापी मुद्दा बनाने जा रहा है। 22 फरवरी को दिल्ली में कई राज्यों के कर्मचारी संगठन और आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले संगठनों के पदाधिकारी भी दिल्ली में पत्रकार वार्ता करेंगे और संगठन के अध्यक्ष दीपक जोशी के अनुसार इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने की जरूरत है, इसलिए इसे दिल्ली में पत्रकार वार्ता आयोजित जो है वो की गई। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में श्रीनगर गढ़वाल के हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एआर डंगवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्र छात्राओं से अपनी मातृभाषा बोलने को लेकर संरक्षित रखने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाए जाने के इतिहास पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। मुरादाबाद में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 खाल गोदामों के मालिकों पर 9,58,00,000 का जुर्माना लगाया है। गोदाम मालिकों को यह जुर्माना 1 हफ्ते के भीतर जमा करना होगा। महोबा में अवैध शराब का कारोबार का भंडाफोड़ किया गया है। पठा तिराहे का मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने एक मकान में
छापेमार कार्रवाई की तो घर से एक शराब बनाने के उपकरण समेत भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई। इसके साथ ही शराब की बोतल, रैपर, बारकोड और स्टिकर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार यहां से चला रहे थे। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुलंदशहर के खुर्जा में कॉलेज की छात्राओं ने मजिस्ट्रेट से शिकायत की है कि बुर्का नहीं पहनने पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। यहां मुस्लिम कॉलेज की छात्राओं ने इस संबंध में एसडीएम ईशा प्रिया से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। छात्राओं का कहना है कि कॉलेज के आसपास रहने वाले लोग और यहां से गुजरने वाले कुछ लड़के उन पर दबाव बनाते हैं कि वो बुर्का पहने। लड़कियों का कहना है कि बुर्का नहीं पहनने की वजह से उन पर उनके धर्म को लेकर भी हफ्तियां कसी जाती हैं। मुरादाबाद जिले के मैनाठेर इलाके में मामूली विवाद को लेकर बाइक सवार और ट्रक चालक में मारपीट हो गई। इस दौरान ट्रक चालक और बाइक सवार युवकों ने बीच सड़क पर जमकर मारपीट की, एक दूसरे पर बेल्ट और लोहे के रॉड से वार भी किया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने किसी तरह समझा बुझाकर दोनों पक्षों को शांत करवाया। अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव नारंगपुर में सौतेली मां ने अपनी सौतेली बेटी पर जमकर कहर बरपाया कि उसको पीटते पीटते अधमरा कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस की मदद लेते हुए बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। गांव वालों ने आरोपी महिला पर लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। हरदोई कोतवाली इलाके में एक युवक की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को बंधक बनाकर बेरहमी से बेल्ट से उसकी पिटाई कर रहे हैं। युवक माफी की भीख मांग रहा है, लेकिन दबंग युवक बेल्ट पर बेल्ट बरसाते जा रहे हैं। लखनऊ के कुबहरा गांव से दबंग ग्राम प्रधान की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है, जहां जमीन विवाद को लेकर ग्राम प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से बेरहमी से महिलाओं की पिटाई की है। ग्राम प्रधान के साथ ही महिलाओं को जमीन पर घसीट घसीट कर लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान की दबंगई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित महिलाओं की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई। लखनऊ के तेलीबाग शनि मंदिर के पास से यात्रियों और बस कंडक्टर के बीच जमकर मारपीट हुई। सड़क पर लगे जाम को लेकर यात्री और बस कंडक्टर के बीच कहासुनी हो गई। इसे लेकर ड्राइवर ने बीच सड़क पर बस खड़ी कर दी, जिसके बाद यात्रियों और बस कंडक्टर में बीच सड़क पर ही जमकर लात-घूसे चली। शामली में खाकी खुलेआम गुंडई करते सामने आई है। खाकी का दबंगई वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। दरअसल पुलिस की गाड़ी से युवक की बाइक हल्की सी टकरा गई। इस पर पुलिस वालों ने चालक की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पूरा मामला शामली के सहारनपुर रोड का बताया जा रहा है। लखनऊ में महाशिवरात्रि के दिन काले वीर महादेव मंदिर में चोरों ने दान पात्र चोरी कर लिया। एक साल से दान पात्र में भक्तों का चढ़ावा चढ़ रहा था। साल में एक बार महाशिवरात्रि में दान पात्र जो है वो खुलता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश में जुट गई। महाराजगंज के एक रेस्टोरेंट में चोरी का मामला सामने आया है। नगद समेत कीमती सामानों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। चोरी की पूरी वारदात रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह आधी रात में एक चोर रेस्टोरेंट में चोरी दाखिल होता है और सामान खंगालता है, जिसके बाद दुकान से नकदी समेत कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाता है। वहीं पुलिस चोर को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। लखनऊ में गुरुवार को हुई व्यापारी की हत्या को लेकर अहियागंज में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया है। हत्या के बाद से व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। आरोपियों ने दुकान बंद कर विरोध जताया है और प्रशासन से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। बदायूं के गांधी ग्राउंड के पास वीमार्ट के बाहर खड़ी बाइक पर एक चोर ने हाथ साफ कर दिया और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किस तरह से चोर जो है वो आता है और बाइक लेकर 9:00-2:11 हो जाता है, ये इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश करने में जुटी हुई है।
गाजियाबाद की टोनिका सिटी पुलिस ने दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग फर्जी तरीके से रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने बताया कि ये गैंग अब तक तकरीबन 300 लोगों को ठग बना चुका है। वहीं इस गैंग का सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मथुरा के थाना राया में एक युवती ने अपने ही सगे भाई पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल थाना हाईवे क्षेत्र में रहने वाली युवती, जो मूल रूप से थाना सुरीर के गांव की रहने वाली बताई जा रही है, उसने अपने ही भाई पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर युवती के भाई ने उसके साथ रिश्तेदार के यहाँ उसके साथ जबरदस्ती की बात कही है। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। लखीमपुर खीरी के हैदराबाद पुलिस थाने में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के बाद पुलिस थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग के मामले में पुलिस ने उसे 5 दिन से थाने में बैठा कर रखा है। लखनऊ के कृष्णानगर क्षेत्र में एक विवाहिता ने फांसी लगा ली और वहीं ससुराल वाले अस्पताल में ही डेड बॉडी छोड़कर फरार हो गए। मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल वाले आए दिन दहेज की मांग करते आ रहे थे और साथ ही शादी के बाद बेटा ना होने से ससुराल वाले बहू को प्रताड़ित किया करते थे। साथ ही मृतक के भाई ने भी ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई एक और मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश रवि भूरा घायल हो गया है। रवि भूरा नायडू गैंग का सक्रिय सदस्य है। मेरठ, एनसीआर और कई राज्यों में दर्जनों मुकदमे इस पर दर्ज हैं। साथ ही शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से हुई 8 करोड़ की लूट में भी रवि भूरा शामिल था। इसके साथ ही कुछ दिन पहले ही गैंग के लीडर शक्ति नायडू को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था और आज SSP अजय साहनी के नेतृत्व में हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके में ओजोन सिटी रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं मुठभेड़ में उसका साथी फरार हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाश ने 10 फरवरी को गांधी पार्क इलाके में फाइनेंस कंपनी के कैशियर को गोली मारकर 11 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, लूट के 50,000 रुपए बरामद किए। मसूरी के एक होटल में संदिग्ध हालत में पर्यटक का शव मिला है। मृतक दिल्ली के पंजाबी बाग का रहने वाला बताया जा रहा है और एक दिन पहले अकेले ही दिल्ली से मसूरी घूमने के लिए गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मृतक के परिजनों को इस बात की सूचना दे दी गई। महाराजगंज जिले के परसमालिक इलाके में एक शख्स को सोशल मीडिया पर सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज करके युवक को हिरासत में ले लिया है। दरअसल सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने आनंद फानन में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है। ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां स्थित HDFC बैंक के ATM में आग लग गई और लाखों रुपए जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ATM में आग लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। अलीगढ़ में खैर इलाके में बारिश के बाद बिजली गिरने से संजय कन्फेसरी और वर्मा मशीनरी स्टोर में आग लग गई। दरअसल कल रात तेज बारिश और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली भी गिरी थी। भारी बारिश के बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। भीषण आग दोनों दुकानों में करीब लाखों रुपए का नुकसान कर गई। कौशाम्बी पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज के दौरान 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शिवरात्रि के मौके पर तांबेश्वर मंदिर दर्शन को गए लोडर सवार श्रद्धालु वापस लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। फतेहपुर के तारापुर के पास ओवरटेक करते समय लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
फिरोजाबाद में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में घायल लोग बटेश्वर में भगवान शिव के दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और डॉक्टर्स के मुताबिक घायल अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर में R9 TV की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीजेपी विधायक विजेंद्र खटीक के बेटे का गुरुवार को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें विधायक का बेटा एक सगाई समारोह में हर्ष फायरिंग करते देखा गया था। ऐसे में R9 TV ने इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया, जिसके बाद बुलंदशहर पुलिस हरकत में आई और SSP के आदेश पर विधायक के बेटे विकास खटीक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। संभल में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसा इतना भीषण था कि कार के पर खच्चे उड़ गए। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। नैनीताल में करीब 22 दिनों के बाद महाशिवरात्रि पर्व पर एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। जिले के पंगूट, किलबरी और खुर्जखर्क इलाके में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। दिन के समय भी तापमान करीब 0 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। अचानक मौसम में हुए बदलाव से पहाड़ों में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। नोएडा स्टेडियम में फ्लावर शो शुरू हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस फ्लावर शो में 100 से ज्यादा किस्म के फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक एंट्री होगी। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ये 34वां फ्लावर शो है।